नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताजा तरीन खबरें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार 1995 की जनगणना के हिसाब से आरक्षण लागू कर रही है, तो ही उच्च न्यायालय 2015 को मानकर चुनाव की बात कर रही है। अब ये सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, जहां 26 मार्च को इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उन्होंने पंचायत चुनाव के बड़े महत्व को दर्शाते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि जब कर जनगणना हुई ही नहीं, तो फिर किस हिसाब से जाति के हिसाब से आरक्षण लागू किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। शायद उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन का मामला है, अब बहुत ही गंभीर और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो सूची जारी की थी, उस समय की स्थिति अलग थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर जो निर्णय दिया, उसने उन सबको पलट दिया। अब उसके आधार पर विषय यह आ रहा है कि कौन सी चीज मानी जाए। या तो सन 1995 की जनगणना के आधार पर जो सीटें निश्चित की गई थी, SC ST OBC और जनरल की बात कही गई थी। अब दूसरी बात आ रही कि 2015 के आधार को माना जाए, रैपिड को माना जाए, किस तरह किस बात को माना जाए। 95 को उत्तर प्रदेश सरकार मान रही है, 2015 को उत्तर प्रदेश राज्य के ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट मान रहा है और उसने उस निर्णय को पलट दिया। अब इन सब बातों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 मार्च को संभवतः ऐसा है कि याचिकाओं पर सुनवाई हो जाए, जिससे कि ये सारी स्थिति क्लियर हो सके। अभी अनिश्चितता का माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के सभी के ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पंचायत चुनाव देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा की मजबूत कड़ी है और पंचायत चुनाव के आधार पर आगे वैमनस्यताएं भी फैलती हैं, आगे जातिवाद भी फैलता है। इस तरह इन सब चीजों को रोके जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसी पर इन याचिकाओं की सुनवाई हो, जिससे संभवतः 26 मार्च से आगे का प्रोसेस होने वाला है। यदि इस पर जल्दी निर्णय नहीं लिया गया या रोक नहीं लगाई गई, तो आगे का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आगे प्रोसीड करने के लिए ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है कि 26 तारीख को इन याचिकाओं पर, जिनके आधार पर होगा, उस पर सुनवाई होके आगे पंचायत के निर्णय हो। और जब जनगणना हुई नहीं, विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब 1995-2015 जनगणना ही नहीं हुई है, तो किसके आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जा सकता है। जो 25 साल से थे जनरल, वो उनको OBC, इस तरह से बहुत भ्रांतियां पैदा हो गई। और मैं समझता हूं इन सभी भ्रांतियों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करके निर्णय करेगी, जिससे आगे उसकी कंप्लायंस हो सके चुनाव की और चुनाव में कोई व्यवधान पैदा ना हो।